हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी खुदाम के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का सीन कुछ ऐसे है कि आज घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैथ्यू था, मैथ्यू को मैंने चाचू के घर छोड़ दिया है। बैनी ड्यूटी पे गया हुआ है और शाह साहब वैसे कराची गए हुए हैं। तो अब शाह साहब घर पर नहीं है तो सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। अभी काम था थोड़ा सा, मुझे बड़े भाई के घर जाना था, तो वहाँ से फिर मैं ड्यूटी पे जाऊँगी। तो चलें रास्ते में बात करते हैं आपसे। तो गाइस, ये बस मैं थोड़ी देर में पहुँचने वाली हूँ। ये मैं भाई के घर पहुँच चुकी हूँ, अब अंदर जाती हूँ, गाड़ी को लॉक लगाती हूँ, तो अंदर जाके आपसे बात करते हैं। तो ये मैं आ गई हूँ भाई के घर। तो ये फाइनली मैं भाई के घर आ चुकी हूँ। इन्होंने पेटियां वेटियां खोली हुई हैं, सारा गर्म सामान जो है वो अंदर रखा जा रहा है। ये भाई बैठा हुआ है इधर। सलाम जी। और ये देखें जी, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं तो अभी ये सारा सामान जो है इन्होंने। हेलो, क्या हाल है? ठीक हो? सर्दियों के कपड़े रखे जा रहे हैं। ये देखिए जी, ये काकियां भी सारी छुट्टियां हैं, सब घर पे हो, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखिए, सारी मेरी टीम बैठी हुई है। मैं आई हूँ तो इन्होंने सारा गर्म डाला हुआ था, गर्म कपड़े अब निकाल के पेटी में रख रहे हैं, और उसमें से गर्मियों के गर्मियों के निकाल निकाल रहे हैं और सर्दियों के जो अंदर रख रहे हैं। इतने ज्यादा कपड़े हैं, फिर वो पहनने को ज्यादा कुछ भी नहीं होता। बहुत ज्यादा गर्म डाला हुआ है, तो अभी मैं जाऊंगी तो सफाई कर लेना। ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, तो बिग मॉम अभी गई हुई है बाबा के साथ बाहर, तो हमने सोचा हम जरा आपके साथ बातें कर ले। आज आज फिर से बिग मॉम ने हम लोग को सरप्राइज दिया। वी वर नॉट रेडी, तो अचानक ही हम लोग बस आ गए हैं। घर में बहुत ज्यादा गंद है, तो प्लीज आप इग्नोर करिए, क्योंकि पता है सर्दियों में कपड़े निकाले और रखें तो फिर बहुत ज्यादा गंद हो जाता है। मौसम की तब्दीली के साथ कपड़े भी तब्दील। यस, द पॉइंट इज दिस। और बाकी उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे, हम सब भी ठीक हैं। हम फिर अकेली आई हैं, का साथ कोई भी नहीं आया। मैथ्यू भी अपने घर पे है, बाकी सारे भी घर पे हैं। मैथ्यू को मैं चाचू के घर छोड़ के आई हूँ ना, काम था मुझे थोड़ा, तो इसलिए आई हूँ। इसके बाद मुझे ड्यूटी पे जाना है। वो बिग मॉम आज बहुत बिजी है, उनका बिजी डे हाँ ना, है। तो ड्यूटी आज हमारा भी बिजी डे है, क्योंकि हम लोग खुद सुबह से काम कर रहे हैं। इतने काम इतने काम, ये देखिए कैसे इन्होंने सारा इतना गंद लगा है। बहुत ज्यादा, ये अंदर तो फिर भी कम है, बाहर बहुत ज्यादा गंदगी आ रही है। हम आहिस्ता आहिस्ता सुबह के लगे में अब कर रहे हैं, देखिए अब कब खत्म होते हैं काम। कल भी हमने शुरू किया था मगर फिर गेस्ट आ गए थे तो फिर नहीं हो सका। ये दोनों अब अपनी तैयारी कर रही है। इनकी फ्रेंड ने इनको बोला है कि तुम लोग मेरे साथ चलो कॉन्सर्ट पे और स्पोर्ट्स डे पे, तो ये सारी अब लगी हुई है कपड़ों के और पता नहीं क्या क्या। इन पता नहीं क्या होता है इन लोगों के साथ, ये जाती भी है या नहीं जाती, ये जाती भी है या नहीं जाती, क्योंकि इनको पता नहीं बाबा परमिशन देते हैं या नहीं देते जाने की। पर हम कोशिश करेंगे। इनकी इनके दोस्त ने इनको कॉन्सर्ट और स्पोर्ट्स डे के लिए बोला है, हमारे उसने पासेस ले लिया। अच्छा, तो गाइस जिस काम के लिए मैं आई थी वो हो गया है, अभी मैं वापस से आ रही हूँ। तो मुझे ड्यूटी पे पहुंचना है टाइम से। चलें जी, अब गाड़ी में बैठती हूँ। चलें जी, ये मैं गाड़ी में आ चुकी हूँ, तो अब ड्यूटी जाती हूँ, तो फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में। ये फाइनली मैं हॉस्पिटल पहुँचने वाली हूँ, तो जब
जब से टीवी ऑफ होगी तब फिर रात से बात करेंगे। शाम को टीवी ऑफ होगी, 6 घंटे की ड्यूटी होती है, मॉर्निंग इवनिंग 6 घंटे की होती है और नाइट जो है वो 12 घंटे की होती है। 2 बजे से लेके 8 बजे तक इवनिंग होती है और मॉर्निंग 8 बजे से 2 बजे तक होती है और नाइट 8 to 8 होती है। गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ, अंदर जाते हैं। हेलो श्याम जी साहब, ये आपके लिए शोरमा और बर्गर, भाई के लिए और आपके लिए, ठीक है? गाइस मम्मा तिमड़ी शोरमा और बर्गर लाएंगे, टेस्ट करते हैं कैसा है। थैंक यू मम्मा जी। मम्मा फ्रेश होके आती है ना तो फिर खाते हैं, ठीक है? चलो जी इसमें निकाल लो। हाँ, इसको भूख लगी हुई थी, इसके डैडी भी नहीं है घर पे तो टेस्ट करते हैं। हाँ, ये आपने पहले भी खाए हुए हैं। चलो जी आप खा लो। भाई किधर है? भाई बनी मैं तो शोरमा। हाँ, तुम्हारे लिए शोरमा लेकर आई थी, मैथ्यू के लिए और अपने लिए बर्गर लाई थी। देखो बच्चों को इतनी भूख लगी हुई थी, उन्होंने मुझे फ्रेश भी नहीं होने दिया, मुझे चेंज भी नहीं करने दिए और खाना शुरू हो गया। चलो ठीक है आप खा लो दोनों, मैं रोटी बना लेती हूँ अपने लिए और, ठीक है ना? ये देखें, ये आपस में दोनों भाई एक्सचेंज कर रहे हैं, एक बाइट वो बर्गर की ले रहा है, एक ये ले रहा है, एक शोरमा की। अच्छा ये बर्गर शोरमा पार्टी चल रही है, तो इसको भी खोल लो। कहाँ गया ये वो वाला जो उसके अपने बैग में है? तो रायता सलाद नहीं लिया? नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे तो मैं ले आऊंगी, ठीक है ना? रायता सलाद होता है इसमें जो वो इससे बर्गर के अंदर ही डाल देते हैं, अगर उनसे कहा जाए ना साथ दो वो दे भी देते हैं, लेकिन मैंने कहा ही नहीं ना। हाँ अब ये बैनी की नज़र मेरे बर्गर पर भी है और वो उसे खाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि मामा ना खाए और मुस्कुरा रहा है। हाँ शरारती मुस्कुराहट है इसकी मेरी हर चीज़ को। ये देखें ये मेरा बर्गर भी ये खा रहा है, तो चले मैं अपने लिए रोटी बना लेती हूँ। हाँ जी मज़ा आया, ठीक है लेकिन शोरमा ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा ले आएंगे शोरमा भी और बर्गर भी। अब ये मैथ्यू भी मेरे बर्गर पे नज़र जमाए बैठा हुआ है। चलो आप दोनों भाई खा लो तो मैं रोटी बनाती हूँ, फिर रोटी खाते हैं। ये तो वैसे एंटरटेनमेंट थी। ये देखें जी मेरे हिस्से में इतना सा बर्गर आया, दोनों भाई खा रहे हैं और मैं ये खा रही हूँ। मुझे नाम चेंज नहीं करना दिया, अरे अब मैथ्यू मेरे मुंह में डाल रहा है। पूजा पूजा दोनों भाई बाली बाली मेरे मुंह में बाइट डाल रहे हैं। मजा आ गया। तो गाइस मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ, तो दोनों बच्चों ने बर्गर और शोरमा खूब इंजॉय करके खाया। जब कोई चीज़ लेकर आए बच्चे खुश होकर खाएं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, तसल्ली होती है, ठीक है ना? ज़ाया नहीं जाती कोई भी चीज़। तो अभी इनके डैडी नहीं हैं, डैडी होते थे तो वो मेरे आने से पहले इनकी फरमाइशें पूरी कर देते थे, लेकिन अब मैं हूँ तो मैं ड्यूटी से आऊँगी तो करूँगी। मैं फिर रास्ते से देख लेती हूँ कौन सी चीज़ लेकर जानी है तो लेते हुए आ जाती हूँ। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा और हाँ और हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट व्लॉग में।